राहत इंदौरी साहब किसी जान पहचान के मोहताज नहीं हैं। संसार भर में वो अपने शायरी के लिए जाने जाते हैं, मुशायरे के लिए जाने जाते हैं, और इस सबसे ज़्यादा उनका जो शायरी बोलने का अंदाज़े बयां है वो बड़ा काबिले तारीफ़ है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि उनकी शायरी सिर्फ प्यार मोहब्बत की शायरी नहीं है, उन्होंने समाज में जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनके ऊपर कटाक्ष किया है, उनके ऊपर उन्होंने बोला है। राहत इंदौरी साहब इंदौर के रहने वाले हैं, उनका पहले नाम राहत कुरैशी था। इंदौर में पले बड़े, वहीं पे उन्होंने जो अपनी बेसिक एजुकेशन है वहीं से प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने भोपाल और फिर अपनी पीएचडी की डिग्री के लिए वो मध्य प्रदेश गए, जहाँ पे उन्होंने उर्दू साहित्य पे अपना पीएचडी का थीसिस सबमिट किया। इसके अलावा राहत इंदौरी जी ने हिंदी फिल्मों में बहुत सारे नगमे लिखे, गीत लिखे, तो उनका जो इस जगत में शायरी और सिनेमा के जगत में योगदान है बहुत बड़ा है, उसको थोड़े शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। राहत इंदौरी जी ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं गए होंगे, उन्होंने अपनी शायरी का लोहा सब जगह पे मनवाया है, इसलिए संसार भर में या उर्दू शायरी के क्षेत्र में ऐसा कोई भी इनाम नहीं होगा जो राहत साहब को ना मिला हो। ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ मैं आपको ले चलता हूँ उनकी शायरी के उस माहौल में जहाँ उन्होंने 2018 में एक मुशायरे में चंडीगढ़ में शिरकत की। आइए देखते हैं राहत इंदौरी साहब का ये रंग में कहाँ ले चलता है, आइए देखते हैं। शायरों ने तो जहाँ जहाँ जो कुछ करना था उन्होंने किया और कामयाब हुए या ना हुए ये आप जाने या वक्त जाने, लेकिन आपको जहाँ जहाँ आपका जो किरदार था वहाँ वहाँ आपने भरपूर अदा किया। क्या जो इस काबिल था कि उसे छतों तक जाना चाहिए था पर वो आपने नहीं पहुंचाया, आपने हर नुस्खे के साथ, हर लफ्ज के साथ, हर शेर के साथ इंसाफ किया। मैं मुशायरों का दर्द थोड़ा ज्यादा आदमी हूँ, शायरी का पता ही हूँ कि नहीं, जैसा कि अभी हमारे कमाल भाई ने मेरे बड़े हैं वो, मुझे अगर अलीफ याद है तो फिर उन लोगों से सीखा हुआ है मैंने, और अगर मुझे ये याद है तो भी ये क्या कहता हमसे पहले क्योंकि ये मजबूरी होती है कुछ नाते में मुशायरा की और वक्त की और मुशायरे की। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि गज़ल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये कहें आपके मजाक है, बल्कि गज़ल का मतलब ये कि वो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी गज़ल भी सुनाऊँ कि जिसमें आप कहें कि मजाक है, जिसमें आपको सोचने पर अल्लाह करे कि मैं जो कह रहा हूँ ये कर सकूँ। ये बात और कही कमाल भाई ने, बहुत जिम्मेदार आदमी है ये, इसलिए मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं वो गजल को खाते नहीं, इशारे खाते हैं। मैं बात करता हूँ, मैं शायद थोड़े में खुले हुए इशारे करता हूँ। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सुन के बता दीजिएगा पहले शेर था मेरा बोल। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, ये लड़का तरक्की कर सकता है। मैंने जितना जितना विचार किया
मुझसे ज्यादा समझ लेंगे इसके बारे में मालूम कीजिए चाय तो नहीं बेचता है ये गजल कोई 30-35 बरस पहले मैंने कही थी सारे हिंदुस्तान में ये गजल मैंने सुनाई लोगों ने पसंद की उस जमाने के हालात को कैसे थे और सब भूल भाल भी गया मैं पूरी दुनिया में सुनाई अभी पिछले 3-1 साल से जब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की गजल की फरमाइश समझ में नहीं आता मुझे कि 30 बरस के पहले के जो हालात मुल्क के थे उनसे आज के हालात की क्या मुआसर है आपका हुक्म है कि मैं सुनाई देता हूँ सब आपकी पूरी गजल सुनी हुई है लेकिन मुझे लग रहा है मुझे अच्छा लगता है शायर को जब आप दाद देते हैं वाह कर देते हैं सुबह कहते हैं दाद देते हैं तो जरा सा उसका हौसला बढ़ जाता है अगला शेर कहने के लिए अगली गजल कहने के लिए उसे रास्ता मिलता है साहब अगर खिलाफ हैं होने दो होने दो शान थोड़ी है अगर खिलाफ है होने दो अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है ये सब धुआं है ये कभी आसमान थोड़ी है अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है साहब लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदम लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदम यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है एक शेर सुनिए बारीक है कि जो हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं लेकिन हमारी तरह हथेली में जानता हूं हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है से गुजरो बिठा लो जहां भी पहुंचो धमाल कर दो जिधर से गुजरो धुआं बिठा दो जहां भी पहुंचो धमाल कर दो तुम्हें सियासत ने हक दिया है हरी जमीनों को लाल जहां भी पहुंचो धमाल कर दो तुम्हें सियासत ने हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो अपील भी तुम दलील भी तुम गवाह भी तुम वकील भी तुम जिसे भी चाहो हरा जिसे भी चाहो हराम साहब कह रहा हूं कि रात की धड़क देखिए मैंने वादा किया है आपसे कि ऐसे भी शेर बीच बीच में आते जाएंगे जिसमें आप कहेंगे मजा और ऐसे भी शेर भी जो आप दावत फिक्र दें मेरे शेर जो जो बस यही गुजारी थी जब तक माही पढ़ू आपकी मोहब्बतें और तवज्जे मेरी तरफ
हल्के फुल्के भी हो सकते हैं लेकिन इंशाल्लाह हल्का शेर नहीं होगा। अच्छा मुलायजा कर रहा हूँ। इतनी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं, कमाल है। मैंने पहले भी एक बरस पहले भी इतराफ किया था कि हमें मुशायरे हम थक गए ढूंढ ढूंढ के बस्ती बस्ती कि वो मुशायरे फिर से जिंदा हो जाए, लेकिन वो मुशायरे पंजाब में जिंदा हो रहे हैं। हसन भाई ने मेरा ट्रेक अपने आप चेंज करवा दिया बिलौजे और पढ़ने के लिए आया। सवेरे से जब से मैं चंडीगढ़ आया हूँ साल प्रेस ने घेर रखा था कि आप रात में क्या पढ़ेंगे, ये हमें दो लाइन लिखवा दो चार लाइन लिखवा दो। लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि मैं मुझे मालूम ही नहीं मैं क्या पढ़ूंगा। और यकीन कीजिएगा कि हसन भाई ने आखिरी शेर जब पढ़ा है जब तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं माइक पर लगा क्या, इसलिए कि मुझे आपकी होशमंदी का ख्याल है। मैं आपकी मोहब्बतों के नाम पर एक शेर पढ़ता हूँ और फिर मुझे वापस ले आइएगा जहाँ से मैं शायरी सुनाने के लिए इंदौर से चलकर चंडीगढ़ आया हूँ। एक एक शब्द जितना इसमें दिल में मौजूद है सबके लिए मेरा ये पहला शेर पहला शेर ही समझिए और एक एक शख्स के लिए राहत इंदौरी की तरफ से ये तोहफे की तरफ कह रहा हूँ कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है ये मजा आ गया। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है आप तो अंदर ये सब जो 50 साल से मैंने शायरी कहते थे इधर उधर बांटता रहा कहा के साथ सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? नीर कहा है नीर ये आप ही बताएं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? बहुत तनाव है क्या चंडीगढ़ के लोगों, सरहदों पर बहुत कुछ पता तो करो चुनाव शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का साहब आप जो बाजार में रखे हो, अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, अब जो बाजार तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है, अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है। ये उस क्वालिटी वाला चेहरा था कि जो आपको सोचने में मजबूर कर रहा है, आप सोचने का मादा आपका थोड़ा सा कमजोर है। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत, जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है, रो इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं, आप तो इतना बता दें कि जरूरत क्या है। रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं, रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं, आप तो इतना बता दें, आप तो इतना बता दें। एक शेर पढ़कर देख रहा हूं, खुदा करे कि मेरी जहां से कहा है वहां तक वहां से ही आप सुन ले तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। बहुत जवाब देते के थक गए, जवाब देते के थक गए, परसों अखबार की जवाब दे के थक गए, लीडर की जवाब दे के थक गए, हम भी जवाब दे के थक गए, आप भी जवाब दे के थक गए।
रोज़ ताज़ा कसीदों की ज़रूरत ही नहीं, आप तो इतना बता दे कि ज़रूरत क्या है, अब तो पत्थर भी अदालत में गवाही देंगे, अब तो पत्थर भी अदालत में गवाही देंगे, तब खुलेगा, तब ये दुनिया पे खुलेगा कि सदाकत क्या है। अदालत में गवाही दें, फिर खुल दुनिया पे, फिर ये दुनिया पे खुलेगा। सदाकत क्या है, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, जमाने से बचा के रखी थी कुछ रोशनी, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सदाने से, कुछ बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से, हुआ है सामना फिर जिंदगी का असलात। देखिए शेर जिसके लिए कहा जाता है शेर अपने आप पहुंच जाता है, कोई जरूरी नहीं कि उसमें नाम भी लिया जाए, बहुत से लोगों ने कहा कि शेर अभी पहुंचता नहीं, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सरहाने से, हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद, बड़े दिनों में पुरानी मिली पुराने से। बड़े दिनों में पुरानी मिली पुराने से, साहब बहकते रहने की आदत है, आदत है मेरे कदमों को बहकते रहने की आदत है, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को, शराब खाने से निकलूं कि चाय खाने से, एक छोटी सी बात सुनिए कि तजल्लियों का इसमें सोचने की दावत दे रहा हूँ, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया एक शख्स काम करती भीड़ से, भीड़ काम कर रही खामोश बैठा हुआ है, तजल्लियों का नया दायरा बनाने मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने, तजल्लियों का नया दायरा बनाने मेरे चराग लगे हैं हवा, सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए दिया बनाने का, जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने, पसीने छूट गए दिया बनाने में, साहब ये भी इशारा है, कह रहा हूं मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, शेर सुन के बताइएगा मुझे बात में अच्छा लगेगा, अरे के जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बना, वाह
زمانہ خدا خدا بنا ہے میری نگاہ میں وہ شخص آج بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنا خدا بنانے میں یہ قدر کی اور شعر سنا تو اس میں بھی میرے کو جو شعر تھے لیکن بھول گیا آپ لوگوں سے ایک تو ڈر بہت لگتا ہے آپ لوگوں سے کیا دنیا میں جہاں بھی اور ہر شاعر کو مجھے رہا دن دوری کیا ہر شاعر کو آپ جیسے سے وہ سے نکالو حادثہ ہو کے نہ ہو شرط نہیں ہے کوئی کیا خبر آئے گی اخبار کو طے کرنا ہے سننے کی ہمت کر رہے ہیں آپ حادثہ ہو کہ نہ ہو شک نہیں ہے کوئی کیا خبر آئے گی اخبار کو طے کرنا ہے اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار ہو تمہارا آتے جاتے
मेरे चेहरे पर लोग लेते हैं मजा सिर्फ तुम्हारा एक मजेदार शेर आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके मुंतजिर हूं के सितारों की जरा आंख लगे लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके मुंतजिर हूं के सितारों की जरा आंख लगे चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा साहब सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे जगा दिया तेरी पाजेब ने कनक के जगा दिया तेरी पाजेब ने कनक के मुझे कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं जगा दिया तेरी पाजेब ने कनक के मुझे कोई बताए कि मैं इसका क्या परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे साहब ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है दिखा दिया किसी कमजर्फ ने छलक के मुझे ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है बता दिया किसी कमजर्फ ने छलक के मुझे एक मजेदार शेर सुनिए दोस्तों बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप और जी लग गया था शायर देखिए जो तगज़ुल हमारे यहाँ उर्दू शायरी में जान होता है गजल की इश्क जिसे कहते हैं औरत का जिक्र लड़की का तगज़ुल इसका मामला है इसमें हमारा हाजरा हमेशा तंग रहा इश्क के मामले लेकिन साहब हारे नहीं 70 बरस के हो गए लगे शेर का मजा लीजिएगा शेर ये कहा कि ताल्लुकात में कैसे सड़क के लिए एक आध गजल के 2000 शेरों से उम्र बहुत हो गया और बहुत ही मोहब्बतों से आपने सुना लालच पैदा कर दी लालच ये कि यार अगले साल अगर खुदा ना खासा नहीं बुलाएगा तो बहुत दुख पहुंचेगा अब वो कह रहा है कि हरियाणा में कह दिया बुलाएगा तो अना को बुलाएगा तो ये तीन चार शेर है बहुत छोटी सी गजल है कह रहा हूं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा जब आप घरों में जाए तो बहुत हल्के फुल्के आसान सोचने वाला तो सुना दिया गया जो आपको घर जाके आप जब बिस्तर पे लेट जाए तब सोचिएगा कि क्या था अभी तो सेवा मिलता शेर कह रहा हूं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उससे दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी कह रहा हूं कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा
उसे जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। जहां जहां से वो टूटा है, जहां जहां से वो टूटा है, जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ो, छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ लगा। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। शेर का मजा लीजिएगा। अन्ना ने भी कहा था कि यहाँ पंजाब में जवान ज्यादा होते हैं, बुजुर्ग कम होते हैं वगैरह, तो मेरी हिम्मत हो रही है एक शेर सुनाऊं। आमतौर पर आप कहीं भी देखिएगा रिकॉर्ड्स वगैरह में, तो ये शेर मैं इस वजह में सुनाता नहीं हूँ जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और इस भरोसे में सुना रहा हूँ, इस भरोसे पे सुना रहा हूँ कि ये जवानी होते हैं सब, ये इतने बताया है, इसका तजर्बा होगा। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ, कहीं मिलेगा क्या निचोड़ लूंगा उसे। अभी शेर सुनिए जो मैंने कहा कि मैं सुनाता नहीं हूँ लेकिन सुनाता हूँ, लेकिन जितने मेरे बुजुर्ग हैं वो भी खुदा के लिए शरीक हो जाए ताकि साबित हो जाए कि ये बूढ़ा कोई है ही। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, साहब बचा के रखता है खुद को वो मुझसे, शीशा बदन बचा के रखता है खुद को वो मुझसे, उसे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे, नहीं राहत इंदौरी तो ऐसा होना चाहिए कि मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़